अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, अब चाहे जो भी कहे हमको जमाना, कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए, तेरे साथ हम भी मशहूर हो गए, देखो कहाँ ले आए देखो दी अपनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। ओम शांति। क्योंकि समाज आज जिस एक ऐसे माहौल से गुजर रहा है, तो उसने कहा हुआ है कि अमृत वेले वो कान में आवाज़ पड़ती है कि दुखियों की चित्कारे क्या तुम तलक ना आई, क्या भक्तों की पुकारे देती नहीं सुनाई। तो जैसे वो जगा देती हैं, वो सुनाई देती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सकाश हमें आज देनी है। क्योंकि पहली बार परमात्मा पिता के कार्यों में लगने पर जब ये बताया गया कि आप अपने घर में कितना भी कार्य करेंगे, लौकिक के लिए कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अगर भगवान के निमित्त बनाए हुए स्थानों पर एक गिलास भी यहाँ से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देंगे तो आपका भाग्य बनता है। ये बात बहुत टच कर गई। आपके भाग्य का आपको आपसे कोई भी छीन नहीं सकता, और नहीं है आपको कोई भी दे नहीं सकता। तो हमारा भाग्य स्वयं चल करके हमारे पास आता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस ऐसी दुनिया में जाने के लिए वैसा अनुभवी बनना है। तो ये अनुभवों की श्रेणी में वो परमात्मा पिता, वो हमारा प्यारा बाबा, हमारा जीवन साथी हमें लेकर के आया है।